नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर ग्राउंड रिपोर्ट कर्नाटक चुनाव मैसूरु से। क्या जो मेरे पीछे महल दिखाई दे रहा है मैसूर के महाराजा का, यहाँ पर जिस तरह से सत्ता की टिकड़ में चली, जिस तरह से अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हुए मैसूर के महाराज, क्या उसी तरह की कर्नाटक की चिर नियति होगी या कर्नाटक इस बार बदलाव की तरफ जाएगा? क्योंकि कर्नाटक के साथ एक बहुत अहम नाम और जुड़ा है, टीपू सुल्तान का, जिससे पता चलता है कि कर्नाटक में जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की स्पिरिट है वह क्या है। आज आइए टटोलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जिस कर्नाटक को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सेना कर्नाटक में गली मोहल्ले में उतर कर रोड शो कर रही है, क्या वे जमीनी मुद्दों पर अपनी चमक को हावी कर पाएंगे या फिर कर्नाटक के जमीनी मुद्दे, बसपा की कर्नाटक की जमीन जिस तरह से अमन चैन की बात करती है, जिस तरह से बात करती है साथ रहने की और जिस तरह से बात करती है हरियाली और रास्ते की, क्या वह रंग लाएगा? आइए चलिए मेरे साथ देखिए मैसूर में कर्नाटक चुनाव के रंग। इस समय हमारे साथ हैं मैसूर के पूर्व मेयर नारायण जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज क्लिक में। थैंक यू। थोड़ा सा ये बताइएगा नारायण जी कि किस तरह से आप इन चुनाव को देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, सारे हिंदुस्तान ये चुनाव को देख रहे हैं। ये चुनाव सेक्युलर एंड क्रिमिनल फोर्स का चुनाव है। ये चुनाव मोदी वर्सेस सिद्धरामैया का चुनाव है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया का चुनाव है। मोदी बार बार आते हो इधर, हर घर हर रोड गली गली में फिर रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्या है, क्यों मोदी जी को इतना परेशान होकर पूरी टीम के साथ, योगी जी भी उतरे हुए हैं, अमित शाह जी भी उतरे हुए, क्यों? मोदी साहब को डर लग रहा है, देखा कर्नाटक में बीजेपी सरकार खत्म हो रहा है, कर्नाटक आदमी पूरा कांग्रेस चुनाव करके वो इंटरेस्ट है, पूरा नेगेटिव है बीजेपी का कर्नाटक में। लेकिन एक चीज ये बताइए कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई कर्नाटक हनुमान की धरती है और फिर उन्होंने बजरंग बली और बजरंग दल और ये भी कहा, कल फिर कहा कि भाई आप बजरंग बल जय बजरंग बली बोलिए और वोट दबाइए। वो बजरंग बली और धर्म आधारित चुनाव इधर चलता नहीं। वो बजरंग बली वो श्रीराम वो पेट पड़ता नहीं, इसलिए कर्नाटक का आदमी डिफरेंट है, वो गुजरात नॉर्थ इंडिया का आदमी नहीं है। इधर बड़ा बहुत सेक्युलर। लेकिन सर यहाँ तो अभी भाजपा की सरकार थी ना, 5 साल तो भाजपा की सरकार रही, उससे पहले भी येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री रहे। नहीं नहीं, भाजपा सरकार इधर नहीं कभी भी आए नहीं, मेजॉरिटी कभी भी भाजपा सरकार इधर आए नहीं। वो ऑपरेशन कमला कर को उसका सरकार बनवाया इधर, मतलब खरीद फरोख के खरीद एमएलए को खरीद कर को इधर चुनाव सरकार आया, कभी भी मेजॉरिटी आए नहीं कर्नाटक में। ये बार भी एक 70 सीट 60 सीट उतना आ रहा है पूरा कर्नाटक आदमी बहुत। और जेडीएस का क्या होगा? और जेडीएस का वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट में है, सिर्फ 32 डिस्ट्रिक्ट में है, ओनली 5 डिस्ट्रिक्ट में जेडीएस है। वो 20-25 सीट्स उसका कैपेसिटी। ये बताइए लेकिन भाजपा की तो सरकार पहले भी रही ना यहाँ पर, अभी भी सरकार थी से पहले? पहले भी है, बहुत करप्ट गवर्नमेंट 80% उसका रिश्वत देना, हर काम करना तो क्या भी काम करो क्या भी प्रोजेक्ट में 40% देना, 40% सरकार। लेकिन कांग्रेस के विधायक ही तो बिक जाते हैं, कांग्रेस के विधायक चले गए, भाई क्यों बिके आप? कांग्रेस को क्या भी वो होता नहीं था, कांग्रेस में
कांग्रेस वाला किधर बड़ी दिक्कत है, कांग्रेस 12-13 चले गए ना बीजेपी में तो शामिल हो गए, वो पिछली बार तभी सरकार बनी है। वो एक एक आदमी को 25 करते हैं गया, अभी ऐसा होता नहीं, अभी थोड़ा सा सॉलिड भाई कांग्रेस कैंडिडेट्स, अभी ऑपरेशन कमला चलता नहीं है ये बात चलता नहीं है, इसलिए मोदी साहब बहुत डर लगते ना, इधर गली गली में घूम रहा हूँ। उसका असर नहीं पड़ेगा, लोग सोचेंगे अरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मोदी जी अवतार हैं। कल मैं बेंगलोर वाला देख रही थी, लोग कह रहे थे कि वो अवतार हैं और वो आए हैं। नहीं, हमारे मोदी साहब का एक चपला देना, एक मोदी साहब का है पूरा हिंदुस्तान में, किधर गए तो मोदी वही चलता नहीं है कर्नाटक में, मोदी कितना बार आया तो कितना, अभी 22 बार आया कर्नाटक को एक महीने में, 50 वही प्राइम मिनिस्टर ऐसे घर घर गल गली में दिखता नहीं। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघु है, मैं मैसूर का रहना हूँ। कर्नाटक में जो चुनाव हो रहे हैं ये कैसे आप देखते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? यहाँ पर तो कर्नाटक से बीजेपी आने वाला है, हम भी बीजेपी को सपोर्ट करता है, मोदी जी के अलावा यहाँ वोट मोदी जी को, इसीलिए अर्जुन है भी मोदी के लिए वोट करने के फैसला लिया। क्या आपको लगता है क्या अच्छा पिछले 5 साल जो बीजेपी की सरकार रही उसने क्या अच्छा किया, ऐसी क्या चीजें हैं और क्यों बार बार प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है? क्या यहाँ कोई कर्नाटक का चेहरा नहीं है उनको और पूरी सरकार को यहाँ उतरना पड़ रहा है? नहीं, वो येडियुरप्पा जी था ना, वो येडियुरप्पा को तो वो रिटायर्ड हो गया ना, इसलिए वो चला गया है। लेकिन सीएम तो यहाँ पर नहीं। हाँ सीएम है, तो क्या सीएम पॉपुलर नहीं है? अब अभी दो साल हो गया है उनको सीएम बनते, इसलिए मोदी जी का ही हवा में चल रहा है। लेकिन कर्नाटक तो विधानसभा का चुनाव कर रहे हैं ना, लोकसभा तो 24 में है। नहीं, या संसद है ना यहाँ पे, वो प्रताप सिंह नगर को है, वो अच्छा काम किया है यहाँ पे, रोड हाईवे सब बना, अच्छा काम किया है, इसीलिए बीजेपी को चुना यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। अच्छा, जैसे जो 40% करप्शन वाला मसला है वो आपको लगता है जमीन पर है क्या? क्योंकि काफी कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी सुसाइड किया, नाम लिखे गए, येडियुरप्पा का नाम लिखा, कर्नाटक के एक और मंत्री का बेटा 40 लाख लेते हुए पकड़ा गया, वो तो चलता ही रहा, तरफ से ज्यादा इशू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कर्नाटक चुनाव का परिणाम जो भी या जो सर्वेक्षण और माहौल दिखा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, अगर वह होता है तो भी जो बड़ी चुनौती कर्नाटक की जमीन पर महसूस होती है वह यह कि भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण के इस राज्य में भी उत्तर भारत की तरह ही मतदाताओं की एक ठोस भीड़, ठोस वर्ग तैयार किया है, जो आपको हमारे वीडियोस में भी दिखाई देता है कि सब कुछ होने के बावजूद ये खुलकर कहते हैं कि आएंगे तो मोदी जी ही। यहाँ पर बहुत मजेदार बात है कि कर्नाटक में जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें कर्नाटक का कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की टीम है जिसका नेतृत्व मोदी खुद कर रहे हैं। और मोदी जिस तरह से रोड शो कर रहे हैं, हालांकि उसमें उस तरह की भीड़ नहीं, लेकिन इससे उनके समर्थकों के भीतर एक दूसरे ढंग का उत्साह आया है और जो उनका प्रचार तंत्र और टूलकिट है वो उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 100% सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर लड़ रही है और शायद यही बात कर्नाटक के मतदाताओं को पसंद नहीं आ रही। हमारा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, इधर कोई भी हमारे को इनकम नहीं है, ऑटो वालों को किसी को भी इनकम नहीं है, ये टूरिस्ट प्लेस रहता है, यहाँ इनकम नहीं रहता है, सिर्फ ऐसे ही रहता है।
अभी ये बताएं कि जो एक इशू है महंगाई का, वो क्या वाकई है या कुछ लोगों के लिए है? नहीं मैडम, ये तो गलत है ना, यहाँ 300-400 रुपए कमाते हैं, इधर इसमें इतनी महंगाई है, तो सिलेंडर 1200 रुपए हो गया। हाँ, सिलेंडर जो है 1200 रुपए हो गया, सब महंगाई बढ़ रही है। ये हुकूमत बता रही है कि हम अभी रूदी काम करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ कर्नाटक में हिंदू मुसलमान का भी काफी मुद्दा उठाया मैडम मोदी जी ने। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई के सरकार रहते हैं, ये बीच में जो ये जो राजकिया जो होती है ना, इन लोगों की वजह से ये लफड़ा होता है, दूसरा कुछ नहीं। इधर कुछ भी लफड़ा गिफड़ा हिंदू मुसलमान का कुछ भी नहीं है, इधर सब लोग उसका ये बना देते हैं, इशू बना देते हैं ये राजकिया वाले, ऐसा है। आपको क्या लगता है इस बार हुकूमत बदलेगी? हाँ, बदलेगी, जरूर बदलना चाहिए, महंगाई के वजह से हुकूमत बदलना चाहिए, इधर कांग्रेस की हुकूमत आना चाहिए। मैसूर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है, अनगिनत ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर भीड़ लगी रहती है, यहाँ पर महाराजा का पैलेस है, वृंदावन गार्डन है, बहुत खूबसूरत झीलें हैं, और इसी में उबल रहा है राजनीतिक सवाल, किस दिशा में जो कर्नाटक की राजनीति जाएगी, वह मैसूर को अपने संग ले जाएगी, या मैसूर से जो आवाज़ें आपने सुनी वह कुछ और कहानी बता रही हैं। यहाँ एक और जो बहुत बुनियादी चीज़ है, मैसूर बहुत लंबे समय से शिक्षा का केंद्र रहा है, यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ के जो तमाम कॉलेजेस हैं, वो एक ज़माने से बहुत प्रतिष्ठित रहे हैं, और शायद यही वजह है कि नौजवान शिक्षा को लेकर, अपने रोजगार को लेकर बेहद चिंतित और फिक्रमंद है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनके अपने सवाल हैं, और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल कर्नाटक की ज़मीन पर है कि बसवा, जिनकी साझी संस्कृति के बारे में तमाम दल बात करते हैं, वह बसवा खड़े होते हैं महिलाओं के पक्ष में, वह खड़े होते हैं सहजीवन के पक्ष में, वह खड़े होते हैं एक दूसरे का साथ निभाने के लिए। सवाल यह मैसूर की धरती पर, बसवा, टीपू सुल्तान और मैसूर के महाराजा, इन सबको मिलाकर जो कर्नाटक की विरासत है वह बची रहेगी या नफरत की आग में झोंक दी जाएगी?